स्वास्थ्य का शिखर ने हजारीबाग का बढ़ाया मान, जीता मिस शाइनिंग स्टार का खिताब। हजारीबाग निवासी प्रभात कुमार सन्हा के पुत्री स्वास्थ्य का शिखर विया मिस इंडिया 2021 प्रतियोगिता की फर्स्ट रनर अप बनी। बता दें कि विया एंटरटेनमेंट की ओर से जयपुर के अजमेर रोड स्थित नेस्ट रिजॉर्ट में आयोजित की गई थी। विया मिस इंडिया 2021 के ग्रैंड फिनाले में मॉडल्स ने वेस्टर्न, ट्रेडिशनल, इंडो वेस्टर्न व स्पार्कल डिजाइनर आउटफिट्स थीम पर कुल 3 स्तरों पर संपन्न हुआ। इसके साथ फैशन सीक्रेट में चयनित होने के बाद स्वास्तिका ने टाइटल क्राउन के लिए कैटवॉक किया। इधर रविवार को बातचीत के क्रम में स्वास्तिका के पिता ने बताया कि स्वास्तिका ने विया मिस इंडिया 2021 प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसमें देश के कुल 1500 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसमें से 28 को टॉप फाइनल के लिए चुना गया। इसके बाद 8 प्रतिभागियों को मिस कैटेगरी में रखा गया, जिसमें से 5 प्रतिभागी फाइनल के लिए चुनी गई। वहीं फाइनल में 5 प्रतिभागियों में स्वास्तिका फर्स्ट रनर अप रही। साथ ही साथ उन्हें मिस शाइनिंग स्टार के खिताब से भी नवाजा गया। को जीत के बारे में जिस दिन पता चला था कि हाँ मेरी बेटी यह खिताब जीत गई है, उस दिन कैसा महसूस हो रहा था, घर में माहौल कैसा था? बहुत खुश थे हम लोग, बस इसके आने का हम लोग इंतजार कर रहे थे। ये जो कंपटीशन थी, ब्यूटी पेजेंट थी, विया मिस एंड मिसेस इंडिया सीजन 2, इसमें मैंने 2 खिताब हासिल किया। पहले तो मैं फर्स्ट रनर अप रही मिस जवाहर से, उसमें मैंने मिस शाइनिंग स्टार का भी खिताब हासिल किया। किसे देती हैं इनका श्रेय? मैं इसका श्रेय अपनी मम्मी पापा को दूंगी, स्पेशली अपनी मम्मी को। आगे क्या सोचा है लाइफ में? आगे मैं फिलहाल तो इस फील्ड के लिए ये सोच रही हूँ कि मैं खुद को और ग्रूम करके मैं तमिलनाडु के लिए रिप्रेजेंट करूँगी, और मैं ऐसा पर्टिकुलरली मेरे लाइफ का एम है सिविल सर्विस का। और बच्चों को आपकी तरह जो बच्चे बच्चियाँ हैं जो मॉडलिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उन्हें क्या संदेश देंगे? उनके लिए मेरा छोटा सा मैसेज है कि अपने ड्रीम पे कभी गिव अप मत करिए, हर दिन उस पर वर्क करिए, यू नेवर नो कि आगे क्या हो जाए। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज jharkhandtimes.live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।